को कंप्लेंट करते हैं कि उन्होंने बोल दिया भाई तेलुगु मूवी है, कोई पागल भी नहीं देगा इसे दो स्टार यार। कोई भी प्रोड्यूसर बॉलीवुड का या डायरेक्टर या राइटर ऐसी चीज ला पा रहा है, आज को कल्कि को इतना हेट क्यों मिल रहा है और क्यों इतनी नेगेटिविटी मिल रही है, क्यों नहीं सपोर्ट? देखो दोस्तों, आज बहुत ब्लंट बातें करने जा रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, मगर जो बोलूंगा सच बोलूंगा क्योंकि बहुत टाइम से डिस्कशन चल रहा है, सोचा अपने व्यूज जो सोचता हूं वो शेयर करूं। 2015 एक ऐसा साल था जिसमें बाहुबली तेलुगु सिनेमा की मूवी आई, डायरेक्टेड बाय ग्रेट राजामौली सर। वो सिनेमा ने बेंचमार्क बना दिया, बेंचमार्क इन द सेंस कि हिंदी मार्केट में अब तक जो साउथ की मूवीज कुछ लोग देखते थे, एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस देखती थी, अब हिंदी ऑडियंस को पता चलना शुरू हो गया कि भाई क्वालिटी सिनेमा इसको बोलते हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी मूवीज आई, कांतारा आई कन्नड़ा इंडस्ट्री की, KGF आई, पुष्पा आई, अभी रिसेंटली RR आई, जो हिंदी ऑडियंस ने दबा के प्यार दिया। अब जब हिंदी ऑडियंस किसी मूवी को दबा के प्यार देती है ना, तो भाई बॉलीवुड में एक हलचल तो मच जाती है। अब जब मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ प्रोड्यूसर्स की बात नहीं कर रहा, वो सेगमेंट की बात कर रहा हूं जो उनके राइट हैंड है और जो इधर उधर के क्रिटिक्स हो गए, और साइलेंट रहना ही बॉलीवुड में अगर अच्छी मूवी के लिए, वो उसको भी मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा ये मानता हूं कि आपको अंदर से कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हो रही है। अब बात करते हैं इस पे भी, क्योंकि दो मुद्दे उठ रहे हैं अब रिसेंटली रिलीज मूवी कल्कि के लिए, कल्कि 2898 की। अब यहां पे दो चीजों की बात हो रही है, एक तो इसकी बात हो रही है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन्फ्लेशन की, दूसरी पिक्चर कैसी है, पिक्चर उतनी अच्छी नहीं है, पिक्चर ने बॉलीवुड फिल्म्स के इसके रिकॉर्ड नहीं तोड़े, उसके रिकॉर्ड नहीं तोड़े, उस पे बात हो रही है। तो सारी बात करते हैं इस वीडियो में, ये बात करेंगे कि भाई व्हाई बॉलीवुड एक्चुअली हेट साउथ फिल्म इंडस्ट्री, और इस फिल्म को कल्कि को इतना हेट क्यों मिल रहा है और क्यों इतनी नेगेटिविटी मिल रही है, क्यों नहीं सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या है आपका हाल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, बॉलीवुड के अंदर ट्विटर पे ये लोग इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है, आप में किसी से किसी का भी अभी तक आपने ट्वीट देखा? मैंने एक दो ट्वीट देखे हैं, किसी का आपने देखा हो तो बता देना, जैसे अभिषेक बच्चन का देखा, वो अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, उसने कर दिया। किसी का भी, पूरी इंडस्ट्री साइलेंट बैठी हुई है कल्कि के उस पे, कलेक्शन पे और कल्कि की क्वालिटी। पहले मैं क्वालिटी की बात करता हूं यार, और ये सवाल मेरा उस जनता से भी है, कुछ एक सेक्शन जो अभी भी लगी हुई है यार, वो प्रभास के जो शुरू के सीन थे ना, वो बड़े बेकार से थे, स्टोरी स्लो थी। भाई एग्री, चलो पूरी तरह एग्री, वो बात आपकी ठीक है कि चलो स्लो था, ये था, प्लस माइनस में बात करने वाली हम कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। मुझे एक बात बता दो, पूरा बॉलीवुड जो भी प्रोड्यूसर्स हैं राइटर्स हैं सबके लिए ये इंस्पिरेशन होनी चाहिए, कौन सी ऐसी मूवी है जो आपने ऐसी बनाई है पिछले 6 महीने में जिसको ऑडियंस थिएटर में जाके देखने का ऑडियंस का दिल करा, 70-75-80 करोड़ मैक्सिमम। एक फाइटर ऐसी आई थी मूवी जिसको खुल के सपोर्ट मिला था, वो ठीक है, अलग बात है कि लोगों ने उतना ज्यादा नहीं गया, शायद 2023 में इतने ज्यादा पिक्चर जा चुके थे, फाइटर एक गलत वक्त पे आई, मगर फाइटर वॉज अ वेरी गुड मूवी और उसको सपोर्ट मिला। उसके बाद 6 महीने में आपने कौन सा कंटेंट निकाला है जो लोगों को एक्साइट कर रहा है? अगर साउथ सिनेमा स्पेशली अब तेलुगु जो इंडस्ट्री है वो पैन इंडिया मूवी निकालती है, बाकी इंडस्ट्रीज नहीं इतना निकालती, अगर एक ऐसा कंटेंट बना रही है जिसमें लोग, वर्ल्ड कप के फाइनल चल रहे हैं, सेमीफाइनल चल रहे हैं, उसको छोड़ छाड़ के लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो इसका मतलब है ना कि लोगों का दिल उस कंटेंट से जुड़ रहा है। भाई वो सिनेमा उस तरीके का दिखा रहे हैं कि लोग जा रहे हैं। आप मुझे बता दो कल्कि के अंदर, मैं तो सारी बातों को साइड करो, VFX ये वो तो दुनिया बात कर रही है, बाउंटी वाला सीन या वो यूनिट्स वाला सीन जो पैसे देने के लिए आगे की फ्यूचरिस्टिक दुनिया में लोग यूनिट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, भाई मेरे लिए तो वो चीज नहीं है, मुझे तो वो चीज बहुत एक्साइट करी। अब कुछ आ जाते हैं, अरे वो उसमें भी ये मूवी में है, हॉलीवुड की मूवी में है, इसमें उसमें, यार ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये तब भी ऑडियंस जा रही है। देखो जब जनरल जनता निकल रही है ना, उसको कुछ ऐसे फ्लेवर्स, कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं। महाभारत का रेफरेंस ले लो, VFX की तो मैं भी बात ही नहीं कर रहा, जो नेक्स्ट लेवल हॉलीवुड लेवल, मैं कह रहा हूं हॉलीवुड फेल है। यहां पे लोगों का पता है क्या हाल है, मैं बताऊं, OTT पे मूवी देखेंगे, बोलेंगे 12th पास आपने OTT पे देख लिया, आपने बोल दिया अरे जबरदस्त मूवी है भाई, अंडररेटेड रहेगी, लापता ले देख ली, जबरदस्त मूवी है, अंडररेटेड रहेगी। जब मूवी हॉल पे जाने वाली होती है, छोटी छोटी बातों में गलती निकाल रहे हैं, स्लो पेस है, नेगेटिविटी फैलाने वाले ट्विटर पे क्रिटिक्स है, 2-4 स्लो पेस है, ओ भाई वो 2 या 3 पार्ट की सीरीज है, एक करेक्टर बिल्ड हो रहा है। आपने एवेंजर एंड गेम को एक देख के रेडी डिसाइड कर सकते कि उसकी पिछले की 7 पिक्चरें कैसी थी, आप पीछे जाओ उनके 7-8 पिक्चरों में देखो, सारी मूवीज एवेंजर इन्फिनिटी वॉर एंड गेम नहीं है, एक बिल्डअप होता है, गेम ऑफ थ्रोन्स इतनी बड़ी वेब सीरीज है, एक बिल्डअप होता है, सारे वेब एपिसोड जो है वो सेम पेस के नहीं होते, फिर भी इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बिल्डअप किया था फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में तो किसी को वैसे भी शिकायत नहीं है, सेकंड हाफ वैसे भी
फुल स्पीड में दिखाया, इन्होंने जबरदस्त तरीके से एंटरटेन तरीके से। सबसे बड़ी बात, 2-3 पार्ट की सीरीज है, गिव देम सम टाइम। और हम नेगेटिविटी के पीछे क्यों भागते हैं, हमें ये क्यों नहीं दिखता कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिनेमा है। आज कोई भी प्रोड्यूसर बॉलीवुड का या डायरेक्टर या राइटर ऐसी चीज ला पा रहा है, आपने ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है कि रीमेक पर रीमेक आपने बनाए। ये मैं देखो, पहले का टाइम था, बहुत सारी पिक्चरें मेरे टिप्स पे हैं, कौन कौन सी पिक्चर का आपने रीमेक बना के यहाँ पे सुपरहिट किए हैं। आप मॉलीवुड ही ले लो, टॉलीवुड ले लो, तेलुगु इंडस्ट्री ले लो, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, बहुत सारे रीमेक बने हैं बॉलीवुड में, बट तब पता नहीं चलता था, अब पता चलता है। तो आप अपना ओरिजिनल कंटेंट लेकर आओ ना। आपको किसने बोला है कि वही राइटर्स वही अपने नेपोटिज्म वाले, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा वो क्वालिटी मिल रही है तो छोड़ दो उस चीज को। लेकिन अगर साउथ सिनेमा कुछ ला रहा है तो भाई ये डिस्कशन ही गलत है कि फाइटर इज द अभी भी बिगेस्ट ओपनर है 2024 की। भाई इंडियन सिनेमा है, दिस इज इंडियन सिनेमा दोस्तों। ये बात बोलनी अपने आप में कि भाई नहीं नॉर्थ की मूवी उसको सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब पहली घमंड है हमारे अंदर, हम उस सिनेमा को देख नहीं रहे। फिर हम राजामौली को कंप्लेंट करते हैं कि उन्होंने बोल दिया भाई तेलुगु मूवी है। अरे भाई तो तुम भी तो एक्सेप्ट करो, और मैं कह रहा हूँ एक्सेप्ट क्यों करो, इम्प्रूव करो लो खुद को। तुम्हें पता है लोगों का इतना ज्यादा किस तरीके का कॉन्सेप्ट आ रहा है, आपने माइथोलॉजी और साइफाई, हिस्ट्री माइथोलॉजी और साइंटिफिक फिल्म को किस तरीके से इंक्लूड किया है। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में लोगों के लिए नया है, इसीलिए इतनी कलेक्शन आ रही है। प्रभास के लिए हेट फैलानी कि उसको एक्टिंग नहीं आती, उसको ये नहीं आता, भाई क्या एक्टिंग नहीं आती, पैन इंडिया लेवल पे वो छोड़ो, पैन इंडिया लेवल पे बंदा इस वक्त सबसे ज्यादा कलेक्शन मार के लेके जा रहा है। ये कोई जोक नहीं है यार दोस्तों। मैंने तो अपनी ये मेरे अंदर की बात थी कि भाई बॉलीवुड में क्रिटिक्स हो, बहुत सारे ट्विटर पे चल रहे हैं, 2-2 स्टार दे रहे हो, अरे आप 2-2 स्टार वाली मूवी, अरे मूवी के बारे में बोलो, प्लस माइनस बोलो भाई, फ्री हो, मगर 2 स्टार वाली मूवी है ये, कोई पागल भी नहीं देगा इसे 2 स्टार यार, 2 स्टार वाली मूवी है कल की। और कोई कुछ पूरा साइलेंट बैठा बॉलीवुड को, उनको आप आगे भी लाइनअप देख लो, पुष्पा आ रही है, औरतों को एंटीसिपेटेड मूवी है नहीं, बीच में एक सिंघम आ रही है, आप सरफिरा अनाउंस करते हो, आप वो 70-75 वाली करोड़ वाली मूवियां ला रहे हो जो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, हम खुद परेशान है, हमारा चैनल है भाई, कोई मूवी नहीं आ रही, बात किस पे करें। तो अगर कोई बंदा बढ़िया मूवी बना रहा है, मेरे हिसाब से उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि एक इंडस्ट्री एक बेंचमार्क सिनेमा हमारे लिए लेकर आ रही है, जो लोगों को एक्साइट कर रही है। क्या बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट्स दिखा रहे हैं, हमारे पुरानों के कॉन्सेप्ट उठा के, क्या देख रहे हो, क्या स्टोरी है। एक यंग जनरेशन के लिए साईफाई दिखा दिया, डिस्टोपियन दुनिया दिखा दी, पुष्पा पकड़ लो, आप पुष्पा पकड़ लो, KGF पकड़ लो, अबे भाई उसकी उनकी कहानी, उनकी राइटिंग देखो। अब पिछले साल मूवी हमारी हिट्स गई है, इस बात में मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं है। जो 2 मूवीज बेंचमार्क मूवीज है ना, जवान और एनिमल, शाहरुख खान की और एनिमल, भाई वो दोनों साउथ डायरेक्टर्स है, एक तेलुगु है और एक एटली तमिल डायरेक्टर्स है। तो यहाँ पे साउथ सिनेमा के डायरेक्टर, स्पेशली तेलुगु डायरेक्टर्स, इनफैक्ट मलयालम इंडस्ट्री को भी बहुत पसंद करता हूँ, आप इनकी चीज देखो, इनका विजन बहुत बड़ा है। आपका है इतना विजन नहीं है, आपका विजन नहीं है, ये इसको जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक इंप्रूव नहीं करोगे, ऑडियंस हाथ से स्लिप कर जाएगी। मैं तो सपोर्ट करूंगा एटलीस्ट अपने एंड पे गुड सिनेमा। ये मैं पहले पठान के टाइम पे भी, जब बहुत सारी चीजें नेगेटिविटी चल रही थी, मैंने तब भी बोला था भाई फालतू की बातें छोड़ो, गुड सिनेमा को सपोर्ट करो। अगर गुड सिनेमा बन गया तो भाई जरूर सपोर्ट करूंगा और एंड तक करूंगा जब तक चैनल की वीडियोस बना रहा हूं। अगर खराब होता ढंके की चोट पे बोलता यार ये मूवी खराब है, सिर्फ स्टार पावर पे चल रही है, स्टार पावर पे नहीं वो कंटेंट पे मूवी चल रही है भाई कल की, और चलेगी आगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, 1000 करोड़ भी पार करेगी। तो राइटर्स डायरेक्टर्स विजन अपना बड़ा करो और लोगों को एंटरटेन करना सीखो। चलो टेक केयर, बाय बाय।